मूवी को एक एक्स्ट्रा जिसमें लोगों ने लाखों रुपए इन्वेस्ट किए हैं, मैक्सिमम जो था इसमें लिमिट 10 लाख रुपए था, इससे ज्यादा तो किसने भी इन्वेस्ट नहीं किया होगा। तो जो इसकी लिमिट थी उस लिमिट तक तो बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया है, यानी 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए तक भी लोगों ने इन्वेस्ट किया है। तो जब से एक्स्ट्रा में ये विड्रॉ का प्रॉब्लम आने लग गया है उसके बाद से लोग सोचने लग गए हैं कि ये कितना और ज्यादा रिस्की हो गया है और क्या ये नेक्स्ट सहारा तो नहीं बनने वाला है। जिस तरह से सहारा में लोगों के पैसे डूबे पड़े हैं, अभी तक तो मिले नहीं है ना, तो लगता है समझो डूबे ही हुए हैं। तो क्या कोई ऐसा ही स्कैम मूवी क्विक की तरफ से तो नहीं हो गया है? तो आज के इस वीडियो में मैं इसके बारे में बात करने वाला हूं, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे काम की इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा हमारे चैनल पर मिलता रहता है। सो बैक टू द टॉपिक, मूवी क्विक एक्स्ट्रा में ऐसा क्या होगा जिस कारण से हम विड्रॉ वगैरह नहीं लगा पा रहे हैं और इसका सोल्यूशन क्या है? सो एक्स्ट्रा में आपको दो तरह के प्लान मिलते थे, पहला तो फ्लेक्सी, दूसरा है प्लस। तो फ्लेक्सी पहले काम करता था जिसमें लोग इन्वेस्ट करते थे और अपने पैसे को 1 दिन 2 दिन 3 दिन या जितने दिन तक उनको मन करता था उतने दिन तक रखते थे, उस पर उनको इंटरेस्ट मिलता था डेली बेसिस पे और उसे वो रिडीम लगा लेते थे। तो कुछ इश्यूज के बाद में फ्लेक्सी को बंद कर दिया गया, सिर्फ प्लस प्लान ही वर्क कर रहा था। तो जब फ्लेक्सी बंद हुआ तो काफी सारे यूजर्स ने प्लस में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। रीजन ये था कि फ्लेक्सी से ज्यादा इंटरेस्ट प्लस में मिलता था, इस कारण से बहुत सारे यूजर्स ने 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। क्योंकि अगर हम बैंक की एफडी वगैरह की बात कर ले तो वहां पर कितना ही आपको रिटर्न मिल जाता है, 3-4-5% का रिटर्न मिलता है और यहाँ पर आपको 12-13-14% तक का इंटरेस्ट मिल रहा था। तो इस कारण से बहुत सारे यूजर्स ने यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया है और अब वो पैसा निकाल नहीं पा रहे हैं। इसी तरह का एक इशू पहले जो है 12% क्लब में हुआ था, लेकिन वहां पर एक अच्छा काम हुआ था कि जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया था उनको ऑप्शन दिया गया था कि वो आप पैसे को निकाल सकते हैं, आप अपना पैसा ले सकते हैं। उसके बाद उन्होंने न्यू प्लान लॉन्च किया, तो जिसको वो प्लान पसंद आया उन्होंने इन्वेस्ट किया और जिसको पसंद नहीं आया उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया। तो अगर मूवी क्विक इस तरह से करती तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन मूवी क्विक ने ऐसा नहीं किया। जिन भी लोगों ने पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखे थे उनके पैसे को दोबारा से उन्होंने अलग जगह पर इन्वेस्ट कर दिया है। तो इसे स्कैम ना कहें तो और क्या कहें। भले ही हम यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो मूवी क्विक में ना होकर बल्कि लैंड बॉक्स में होता है, जो कि एक P2P NBFC कंपनी है, तो उसे कितने ही लोग जानते हैं? लोगों ने तो मूवी क्विक पर भरोसा करके उसमें पैसा इन्वेस्ट किया है ना, तो इसकी जवाबदेही तो मूवी क्विक की बनती है। बट आप अभी जो है मूवी क्विक के कस्टमर केयर में कॉल करो या इनके एक्स चैनल पर जाकर आप ट्वीट भी कर लो तो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। कुछ लोग तो कस्टमर केयर में कॉल कर रहे हैं तो उनको यही बताया जा रहा है कि आपका पैसा जो है सेफ है और आपको जो है 12 तारीख तक पूरा अमाउंट मिल जाएगा। तो इस बात में कितनी सच्चाई है इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो आखिर तक बने रहिए। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि भले ही हमारा पैसा लैंड बॉक्स में इन्वेस्ट होता है लेकिन हम मूवी क्विक के थ्रू जा रहे हैं, तो हमारा भरोसा तो पहले मूवी क्विक के ऊपर है ना, उसके बाद में लैंड बॉक्स पर है। तो मूवी क्विक को यह समझना चाहिए कि जो भी यूजर्स का पैसा है पहले उस पैसे को हम दे देते हैं और उसके बाद में जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट आएगी तो उस पैसे को आप जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो, क्योंकि आप कंसर्न लेकर करोगे। क्योंकि न्यू टर्म्स एंड कंडीशन में इन्होंने ये चीजें मेंशन की है कि जो भी 16 अगस्त के बाद में फ्रेश इन्वेस्टमेंट होगी तो उस पैसे को अगर किसी बोरोअर को दिया जाता है तो सबसे पहले इन्वेस्टर से ये परमिशन ली जाएगी कि आप इस बोरोअर को पैसा देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। तो अगर आप कंफर्म करेंगे तभी वो जो पैसा है बोरोअर को दिया जाएगा। तो ये चीजें पुरानी वाली इन्वेस्टमेंट में क्यों नहीं की गई, ऐसा बिल्कुल होना चाहिए था। आप लोग मेरी इस बात से एग्री है या नहीं कमेंट करके जरूर से बताइएगा। इतने तक हमें समझ में आती है कि RBI की गाइडलाइंस आई है नए, सभी NBFC कंपनी के ऊपर आई है, आपके ऊपर ही थोड़ी आई है। तो आखिर आप दोनों की लड़ाई में ग्राहक क्यों पीसे? ग्राहक ने जो आप पर भरोसा करके पैसा इन्वेस्ट किया है उनके कंप्लीट पैसे को विड्रॉ का आप ऑप्शन दीजिए ताकि वो अपने पैसे को अपने पास सुरक्षित ले पाए, फिर उनका मन होगा आपके पास में इन्वेस्ट करने का तो वो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे वो कोई और अदर ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। किसी से आप जबरदस्ती तो इन्वेस्ट करवा नहीं सकते हैं ना। अब आते हैं अपने उन सवाल के ऊपर कि ये पैसा कब निकाल सकते हैं। तो देखो बॉस, इनका एक न्यू प्लान लॉन्च हुआ है जिसमें ये बताते हैं कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे वो आपको इस पोर्टफोलियो के थ्रू दिया जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो 1 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उसमें से सम अमाउंट जो है आपको इंटरेस्ट वाला और प्रिंसिपल अमाउंट जो है टोटल ऐड करके आपको हर महीने 12 तारीख को विड्रॉ का ऑप्शन दिया जाएगा। टोटल अमाउंट को आपको विड्रॉ का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, यानी एक तरह से समझ के चलो आपको जो है यहाँ पर लॉक इन पीरियड 1 साल का हो गया है। पहले जो आपने लॉक इन पीरियड 3 महीने या 6 महीने का भी जिन्होंने लगा रखा होगा ना, उनका भी पैसा 1 साल के लिए होल्ड पर चला गया है। पूरा अमाउंट आप एक बार में विड्रॉ नहीं करा सकते हो, छोटा छोटा अमाउंट पार्ट बाय पार्ट करके, यानी आपका प्रिंसिपल अमाउंट कुछ होगा और जो आपको ब्याज मिल रहा होगा उस अमाउंट के ऊपर वो टोटल ऐड करके आपको विड्रॉ का ऑप्शन दिया जाएगा, उतना पैसा आप निकाल पाओगे हर महीने के 12 तारीख को। तो मुझे तो किसी भी हिसाब से अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि मूवी क्विक
को इस पर एक स्टैंड लेना चाहिए कि जो भी इन्वेस्टर हैं उनके कंप्लीट बैलेंस को आप एक बार में विड्रॉ करने का ऑप्शन दीजिए, जिस तरह से 12% क्लब ने किया था। उसके बाद में आप अपना न्यू प्लान उनके सामने रख सकते थे और उन्हें पसंद आता तब वो जो है आपके ऊपर भरोसा करके फिर इन्वेस्ट कर देते। लेकिन उनको भरोसा नहीं होता या उनको अच्छा नहीं लगता आपका प्लान तो वो इन्वेस्ट नहीं करते। हर एक कस्टमर के पास में अपनी एक चॉइस होनी चाहिए। सोबी के लिए क्या पॉसिबिलिटी है ये हम बात कर लेते हैं। और यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है सेफ है या नहीं, तो देखो बॉस सेफ की बात तो अलग हो गई, लेकिन हाँ थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर ज्यादा बढ़ गया है पहले के मुकाबले। क्योंकि जो भी हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पैसे को ये जो है किसी न किसी को एज अ लोन ही प्रोवाइड करते हैं, जहां से वो खुद इंटरेस्ट अर्न करते हैं। उसके बाद में उसमें से कुछ हिस्सा जो है मान लीजिए उन्होंने 20% पर किसी को लोन पर दे दिया तो उसमें से जो है 12-13% या 14% आपको दे रहे थे। तो सेम इसी तरह से प्रोसेस अभी भी होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज का भरोसा तो आपको रखना पड़ेगा कि देखिए जो भी यहाँ से लोन वगैरह दिए जाते हैं वो उन्हीं पर्सन को दिए जाते हैं जिनका सिबिल अच्छा हो, जिनकी पास का ट्रैक रिकॉर्ड यानी पेमेंट करने का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, उनको ही लोन्स वगैरह दिए जाते हैं। इतना तो आपको मानना पड़ेगा। तो पैसा आपका सुरक्षित है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ यही आपको जो है एक बार में विड्रॉ का ऑप्शन नहीं मिलेगा, इन चीजों को शॉर्ट आउट होने में टाइम लग सकता है। बट इस चीज के ऊपर हम अपना एक स्टैंड लेते हुए हम एक्स पर यहाँ पर ट्वीट करने वाले हैं कि आप कस्टमर के बिना कंसर्न के कैसे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको पहले कंसर्न लेना चाहिए था, तभी वो जो पुराना वाला पैसा था, जो पुराने इन्वेस्टमेंट था, उन्हें आप किसी सिंगल इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर सकते थे। तो आप लोग मुझे एक्स पर फॉलो कर सकते हैं और जो मैं यहाँ पर पोस्ट डालने वाला हूँ उस पोस्ट को आप रीट्वीट कर सकते हैं ताकि जल्द से जल्द इसका कोई सोल्यूशन निकल पाए। इसके अलावा एक चीज और है कि जिनका भी इन्वेस्टमेंट 10,000 से ज्यादा का है उन लोगों को यहाँ पर परेशानी हो रही है, और जिनका इन्वेस्टमेंट 10,000 से कम का है तो काफी सारे यूजर्स को विड्रॉ का ऑप्शन मिल चुका है और लोगों ने विड्रॉ भी लगा लिया है। लेकिन हाँ उनके अकाउंट में अभी तक वो पैसा क्रेडिट नहीं हुआ है। इवन मैंने भी कल जो है विड्रॉ लगाया था लेकिन वो पैसा मेरे अकाउंट में अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है। फ्री वर्किंग डेज का इन्होंने टाइम दिया है तो एटलीस्ट उतना तो हम वेट करेंगे। उसके बाद में अगर वो पैसा नहीं आता है फिर इस पर हम एक्शन भी जरूर से लेंगे। और अभी RBI जो है P2P NBFC कंपनी के ऊपर काफी सख्त रवैया अपना रही है। जो भी P2P NBFC कंपनी इनके गाइडलाइंस को वायलेट कर रही है उन पर पेनल्टी भी लगाया जा रहा है। जैसे कि हाल ही में 2 कंपनियों के ऊपर पेनल्टी लगी है जिसमें लेंडिंग क्लब और लिक्विड लोन्स का नाम आया है। लेंडिंग क्लब के ऊपर 1.99 करोड़ का पेनल्टी लगा है और लिक्विड लोन्स पर 1.92 करोड़ का पेनल्टी लगा है। पेनल्टी लगने का रीजन यही है कि इन्होंने जो है RBI के गाइडलाइंस को वायलेट किया था, जिस कारण से RBI ने इनके ऊपर मॉनिटरिंग टीम बैठाई और उस मॉनिटरिंग टीम में उन्हें पता लगा कि ये जो है उस गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, देन इस पर जो है ये पेनल्टीज लगाई गई है। इसके अलावा आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि RBI की तरफ से आखिर कौन सी गाइडलाइंस है जिसके लिए इतनी हो हल्ला हो रही है। तो देखो RBI के उस गाइडलाइंस में ये बताया गया है कि जिस तरह से ये कंपनियां आपको 12% या 13% या 40% का इंटरेस्ट जो है डे बाय डे दे रही थी वैसा नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अगर कोई कंपनी किसी को लोन प्रोवाइड करती है तो उसको मंथ में इंटरेस्ट अर्न होता है, तो फिर वो क्यों जो है अपने आप को प्रमोट करने के लिए डेली बेसिस पर इंटरेस्ट जो है ग्राहक को दे रही है। इससे जो है बैंकों को काफी ज्यादा लॉस हो रहा था, बैंकों में डिपॉजिट ही नहीं जा रहा था, हर कोई जो है इन्हीं सारी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर चुका था। तो इस कारण से भी RBI को थोड़ा सा सख्ती अपनाना पड़ा ताकि सभी चीज जो है बैलेंस में रहे। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं जो 12 तारीख का यहां पर डेट दिया गया है, काफी लोग जो है कस्टमर केयर को कॉल करके पूछ रहे हैं तो उन्हें बताया जा रहा है कि 12 तारीख को आप जो है फुल विड्रॉल लगा सकते हैं। तो इसके ऊपर तो मैं अपना कोई ओपिनियन अभी नहीं दूंगा क्योंकि जो 12 तारीख आएगा उस डेट को कितना अमाउंट आपको ट्रांसफर करने दिया जाता है ये उसी दिन ही पता लग पाएगा। तो अगर तो फुल अमाउंट विड्रॉ करने का ऑप्शन मिल जाए तो काफी अच्छा है सभी के लिए ही। लेकिन वहां पर ये जो न्यू गाइडलाइंस आई कि आपको जो है प्रिंसिपल अमाउंट और जितना आपका इंटरेस्ट बना होगा आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग उस अमाउंट को ही विड्रॉ करने दिया जाएगा। ऐसा कुछ अगर होता है तो आपके खाते में पूरा पैसा आने में काफी टाइम लग सकता है। तो वेट करते हैं 12 तारीख का और उस दिन देखते हैं कि आखिर ये मूवी क्लिक वाले क्या ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। सो आई होप आज का ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इन्फॉर्मेशन काम की लगी हो तो दोस्तों के साथ में जरूर से शेयर कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।